हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। इसमें समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। निर्देश इसमें दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। का नंबर दिया है, समूह 17 के तत्वों को कहते हैं कैल्कोजन, हैलोजन, निकोजन, अक्रिय गैस। फिर अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, Fe+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, 4, 6, 3। अगला है क्वेश्चन, KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है +1, +3, -1, -3। फिर अगला है क्वेश्चन, अपमार्जक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ क्षारीय संश्लेषित द्रुबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। अगला है, सबसे प्रबल अपचायक है Fe-Br-I-Cl-। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। खंड आ में दिया गया है, हंसाने वाली गैस एक्टिनाइड EDTA-LiTM। खंड बा में दिया गया है, मधुरक बहुधंतुर लिगेंड रेडियो एक्टिव तत्व N2O। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य चुनिए। पहला है रेडॉन, एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। दूसरा है हीमोग्लोबिन CO, एक यौगिक है। तीसरा है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को शक्कर अधिक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पदार्थ अमाशय के पीएच को कम करता है। दूसरा है एक्टिनियम ब्लॉक का तत्व है। तीसरा है सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता की होती है। चौथा है संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आयोडीन का टिंक्चर क्या है। दूसरा है रेडियो एक्टिव हैलोजन का नाम लिखिए। तीसरा है संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों। चौथा है किलेट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न को समझाइए। पहला है द्विक लवड़ एवं संकुल लवड़ में अंतर लिखिए। दूसरा है लिगेंड क्या है या कितने प्रकार का होता है। तीसरा है जायसे लवड़ एवं फेरोसिन लवड़ की संरचना समझाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, निम्न प्रश्नों को समझाइए। पहला है जीनॉन उत्कृष्ट गैस है फिर भी यौगिक बनाती है क्यों। दूसरा है अंतर हैलोजन यौगिक क्या है समझाइए। तीसरा है वर्नर के उपसह संयोजी सिद्धांत को धार से समझाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न को समझाइए। पहला है खाद्य परिरक्षक को समझाइए। दूसरा है कृत्रिम मधुरक को समझाइए और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा है फॉस्फीन का क्वथनांक अमोनिया से कम होता है क्यों। चौथा है हैलोजन रंगीन एवं प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 का, पहला लैंथेनाइड संकुचन क्या है, कारण परिणाम सहित बताइए। दूसरा है फॉस्फीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि को सचित्र समझाइए। तीसरा है अमोनिया के निर्माण की हैवर विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में अंतर लिखिए। पहला है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर लिखिए। दूसरा है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तीसरा है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, निम्न को कारण से समझाइए। पहला है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों। दूसरा है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक एवं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। तीसरा है साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, आयनन समावयवता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न औषधियों को समझाइए। पहला है प्रति अम्ल प्रशांतक प्रतिरोधी पीड़ाहारी प्रतिजैविक प्रतिजनन क्षमता। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।